तो हमारा ये रैक बनने वाला है इसी स्पेस में, जहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर हाइट और बहुत सारा स्पेस है। और इस स्पेस को कंज्यूम करने के लिए हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक रैक, जिसमें होने वाले हैं 4 शेल्फ और वो बनेगा हमारा डिस्प्ले रैक। मैं इसे बनाने के लिए चैनल रैक का मदद करूंगा, जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं और आप कहीं पे भी लाके इसको असेंबल कर सकते हैं। ये इजी टू मेक है और इसे कोई भी बना सकता है प्रॉपर असिस्टेंस के साथ। तो सबसे पहले मेरे पास है एक चैनल रॉड, जिसे मैं पेंट करूंगा, क्योंकि हमारे पास पानी का काम बहुत होता है एंड रस्टिंग से बचाने के लिए पेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ही देर में पेंट हो गया है एंड हमारी ब्लैक थीम के हिसाब से रॉड बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस चैनल रॉड के बाजू में जो आपको शेल्फ दिखाई दे रहा है, इसे हम इसी पे असेंबल करेंगे। हमारे पास नट्स एंड बोल्ट का पूरा पैकेट है, जिसकी मदद से हम इन्हें स्क्रू करके उसे वहाँ पे असेंबल करेंगे। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कि मैं और मेरा दोस्त यहाँ जोरों शोरों से काम कर रहे हैं ताकि ये रैक फटाफट से कम्प्लीट हो जाए। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है नीचे का सेल्फ, बिकॉज नीचे का सेल्फ करने पे आपको बैलेंस मिलेगा। एंड एक के बाद एक नट बोल्ट लगाते हुए इसका कंस्ट्रक्शन समझते हुए हमने लगा दिए है 2 शेल्फ, जहाँ पे मेरा छोटा भाई भी हमारी मदद कर रहा है। और देखते ही देखते हमने लगा दिया है 3रा शेल्फ। फर्स्ट स्टेप हमेशा हार्ड होता है, जहाँ पे आप समझ रहे होते हैं कि आपको करना क्या है, और उसके बाद आपको पता चल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता और आपका रैक कम्प्लीट हो जाता है, जैसे कि हमारा हो गया है। सारे रैक असेंबल हो चुके हैं और यहाँ पे हम सारे के सारे नट स्क्रू करके टाइट कर रहे हैं। अभी इसी तरीके से एक प्री असेंबली रैक बना सकते हैं, जहाँ आपको वेल्डर की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और आप किसी भी टाइप का कस्टमाइज रैक बना सकते हैं। तो हमारा रैक पूरा का पूरा टाइट हो चुका है। वेट टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मेरा दोस्त बैठ चुका है। तो हमारे रैक्स बन चुके हैं 4 शेल्स के साथ, 6 फीट टॉल, स्ट्रांग, मिनिमम कैपेसिटी 50 किलोस पर रैक। इसके बाद करेंगे हम इलेक्ट्रिक की सप्लाई देंगे, बिकॉज ये डिस्प्ले टैंक होने वाला है और इसमें बहुत सारी चीज़ें। दीज आर फीमेल 2 पिन स्विच, ताकि हम इसमें प्लग लगा सकें, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दे सके। ओके, यहाँ पूरे रैक में कनेक्शन होने वाले हैं, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 1.5 के तार, जिन्हें मैं 2 कलर में यूज कर रहा हूँ, ताकि मुझे समझ में आए कि कनेक्शन कहाँ देना है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2 पिन के कनेक्शंस, जहाँ पे हमारे 2 पिन प्लग्स लग जाएंगे। तो ये है फ्रेम का बैक साइड, जहाँ पे हम वायर के कनेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे एक फीमेल 2 पिन दी गई है, क्योंकि इन फ्यूचर सेपरेट टैंक्स के अलग अलग इलेक्ट्रिक कनेक्शन होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे तीनों रैक्स में जा रहा है। नेक्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास ट्यूबलाइट्स है, जो कि हम यहाँ पे वॉल माउंट करके लगाएंगे टेप्स की मदद से, तो वो भी हम लगा के देखते हैं। ट्यूबलाइट्स को जो है मैं यहाँ पे सिलिकॉन है मेरे पास, सिलिकॉन और डबल साइडेड टेप की मदद से लगाऊंगा, टॉप पे लगा के दिखाता हूँ। सो ये है 20 वॉट LED ट्यूबलाइट, जो आपको आराम से 150 180 समथिंग में मिल जाएगा। इसे हम लगाएंगे वहाँ पे, बट जैसे कि आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप उसके बाद कोई और चीज़ देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। बट आप यहाँ देखते हो या फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लाइक LEDs के ऊपर है वो एक साइड में ब्लैक टेप लगाए गए, वो क्यों? क्योंकि लाइक डायरेक्ट जैसे जैसे हल्का सा शाइन मार रहा है राइट वहाँ, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपके आंखों में लाइट नहीं जाएगी और आप लाइक कंफर्टेबली दूसरी चीज़ें देख सकते। तो उसी तरीके से इस टेप को हम इस LED ट्यूबलाइट के सिर्फ एक साइड पे लगाएंगे, क्योंकि दूसरे साइड में वैसे भी कोई नहीं जाने वाला है, तो एक साइड में, ताकि वो रिफ्लेक्ट ना हो एंड आप बाकी सब सारी चीज़ें कम्फर्टेबली देख। ट्यूबलाइट का ये लिड निकाल के हम यहाँ पर टेप फंसाएंगे, ताकि ये अच्छे से टेप को पकड़ के रखे। बिकॉज इवेंचुअली क्या होता है कि कुछ समय बाद ये हीट आता है, लाइक स्टिकीनेस होता है, वो ड्राई आउट हो जाता है। तो हम यहाँ पे अटकाएंगे ट्यूबलाइट का। वो खोलने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है, यहाँ पे क्लिप होती है, दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिप होती है, जिसको आप ऐसा प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से ऐसा निकल जाएगा राइट। यहाँ पे कैविटी होती है, तो कैविटी में आपको टेप लगाना है। तो ये है PVC टेप, जिसको आपको लाइक इस तरीके से निकालना है। उसके बाद में आप आराम से इसे इसके अंदर आपको टक इन करना है राइट, यहाँ पे यहाँ आपको आपको थोड़ा सा अंदर प्रेस करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे इसको ऐसा लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाते समय आपको ये ध्यान देना है कि लाइक ट्यूबलाइट का को कवर भी करना है एंड उतना कवर भी नहीं करना है कि जिसके वजह से लाइक ब्राइटनेस को इफेक्ट हो। ओके, तो इस तरीके से एक बार ऊपर के लिड लग जाए तो फिर यहाँ से आपको सिर्फ यहाँ पे प्रेस करके उसको पुशन करना, दैट्स इट। उसके बाद ये यहाँ से टाइट रहेगा। उसके बाद सिंपली आपको स्लोली स्लोली
आगे बढ़ते हुए आराम आराम से ये लगाना है, जो कि इजीली लग जाता है, बस इसमें टेप थोड़ा सा लगता है, दैट्स इट। ट्यूबलाइट्स भी ज़्यादा लेंथ की नहीं आती है, मोर ओवर 3 फीट मे बी। उसके बाद में ये ट्यूबलाइट पे लगा देंगे आप इजीली, क्विक एंड ईजी अप्लाई, एकदम फटाफट से इजीली रिमूव भी कर सकते हो आप। और इस चीज़ से ट्यूबलाइट की वारंटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट ये जो बचा हुआ है इसको भी आप टक इन कर दीजिए इस तरीके से, एंड ये आप लगा देंगे इस तरीके से, आपका ये ट्यूबलाइट तैयार हो जाएगा। राइट, यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये बिल्कुल वन साइडेड है, ब्लैकिश, वन साइडेड है वाइटिश। ओके, सारा इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो चुका है, यहाँ हमने ट्यूबलाइट्स भी लगा चुके हैं एंड टू पिन्स आर वर्किंग फाइन। हर ट्यूबलाइट के सामने हमने एक बेड स्विच लगाया है, ताकि इफ इन केस हमें कोई ट्यूबलाइट को बंद करना पड़े तो हम इस बेड स्विच का यूज करेंगे। सारी की सारी चीजें प्लान के मुताबिक हुई है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इस रैक्स के ऊपर क्या रखता हूँ, और एक हैवीली कस्टम चीज होने वाली है तो उसके लिए आपको एक सेकेंड वीडियो देखना ही होगा, सो वेट फॉर द सेकेंड पार्ट। और यहाँ हमने रैक को पीछे पलटा दिया है क्योंकि सारे कनेक्शन बैकग्राउंड में ही रहना चाहिए एंड सामने दिखाई देगा हमारा डिस्प्ले रैक। और यहाँ पे बेड स्विच का इस्तेमाल करते हुए मैंने सारी की सारी ट्यूबलाइट चालू कर दी एंड ये बन गया है हमारा फ्रेम।